नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। शुरुआत कर रहे हैं 22 जिले 22 खबर की, और 22 जिलों में सबसे पहले बात करनाल की। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के करण लेक पर ही अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने शहर में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट ली। यहाँ उन्होंने नगर निगम में हुए पार्षदों के हंगामे और अवैध कॉलोनियों में चले पीले पंजे को लेकर भी अधिकारियों से भी विस्तार से रिपोर्ट मांगी, और इस दौरान करनाल के उपायुक्त और SP समेत नगर निगम कमिश्नर और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कुछ सामाजिक काम होते हैं, उस नाते लोग मिलते हैं। अब सब लोगों का अपना अपना अलग अलग प्रकार होता है। कुछ संस्थागत तरीके से किसी की डिमांड होती है, कोई ग्रांट की डिमांड होती है, कोई व्यक्ति की समस्या है, कुछ ट्रांसफर्स हैं, लेकिन मोटे रूप से जितने विषय होते हैं जो हाथों हाथ हल करने के होते हैं हाथों हाथ कर देते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको चंडीगढ़ भेजने होते चंडीगढ़ भेजते हैं, कुछ DC लेवल पर देते हैं, लेकिन मोटे रूप से आज 25-26 लोगों से जो बातचीत हुई है उनकी समस्याओं का। आंगनबाड़ी में बड़ा एक डिमांड लेटर दिया है, वो डिपार्टमेंट हम दे देंगे, और डिपार्टमेंट देने के बाद जैसा वहाँ बुला करके उनसे बातचीत करके करने के बाद अगर उनका कुछ बनता होगा तो मिलेगा, और अगर पहले से उनको दे दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भी हमने पर्याप्त एक बार 3,000 रुपये एक साथ उनका बढ़ाया था, तो उस नाते से कोई हरियाणा में आंगनबाड़ी और चाहे हमारे आशा वर्कर हैं, पूरे देश में सब लोगों से ज़्यादा पैसा भी आता रहे हैं, सबके ऊपर हमारा ध्यान है, सबके ऊपर संज्ञान भी लिया गया है, सबको जो दोषी हैं उनको पकड़ेंगे भी सी, उनको सजा भी मिलेगी, इस बार FIR करा दी है, उसका इन्वेस्टिगेशन। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गन्नौर में पुरखास गांव के खेल स्टेडियम में किसान महापंचायत को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों का आंदोलन किसानी के अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए शांति और अनुशासन के साथ एकजुट होकर इस संघर्ष में सभी अपना सहयोग दें। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर भी सवाल पूछा। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर एक बार फिर दीपेंद्र ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की बजाय विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए थी। आप इन मंचों पे सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर पे राजनीतिक व्यक्ति ना आए, हमने उसका सम्मान किया, हमने पूर्ण समर्थन दिया। मैं आपने स्वयं देखा था कितनी बार वहाँ पे गया मगर मंच पे नहीं गया। इसी प्रकार से जब ये बात आई कि गाजीपुर की जब पूरी प्रकरण हुआ था अगले दिन कि जाके यहाँ पहुँचे वहाँ सपोर्ट करें, तो देश की संसद में सबसे पहले मैं ही गाजीपुर बॉर्डर गया, इकलौता सांसद मैं उस दिन गाजीपुर बॉर्डर गया जब उन्होंने बुलाया। तो जब किसान संगठन जो भी इसकी रूपरेखा जो है, कोई हम इसका नेतृत्व तो नहीं कर रहे, इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें शामिल किसान है, हमारा पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन के साथ है। तरफ से आर्थिक मंदी की वजह की चपेट में आज हर कोई है, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम 70 साल के इतिहास में आज तक इतने महंगे नहीं हुए जो मैंने संसद में बात रखी। 70 साल के इतिहास में इतने महंगे ना दाम हुए डीजल पेट्रोल रसोई गैस के, ना डीजल पेट्रोल रसोई गैस के इतना टैक्स वसूला गया 70 साल में जितना इस सरकार में वसूला जा रहा है। लड़ाई लड़ी जाती है BJP के आगे सरेंडर होके नहीं, BJP को हरा कर। अभी पंजाब में निकाय चुनाव थे, अगर कांग्रेस कहती कि हम सरेंडर होते हैं, हम इस्तीफे देते हैं, हम लड़ेंगे ही नहीं, वॉक ओवर देते हैं। बड़ौदा में चुनाव था, हम कहते हैं वॉक ओवर देते हैं, इन्होंने वॉक ओवर दिया नगर निगम सोनीपत में चुनाव में, तो कैंडिडेट भी नहीं खड़े गए सारे शहर में किसी शहर में। तो BJP को हरा कर, जब तक BJP को झटका प्रजातंत्र के अंदर, जब तक किसी सरकार को हरा कर उनको झटका नहीं दिया जाएगा, उनको वॉक ओवर देकर अगर कोई लाभ हो तो देश में बहुत सी हर प्रदेश में विपक्ष है, सारा विपक्ष इस्तीफा देते उनकी सरकारें अगर गिरती हो तो, मगर प्रजातंत्र के अंदर जो 23 की 23 जो प्रदेश हैं उनमें अगर विपक्ष इस्तीफा देगा तो क्या सरकारें वो गिर जाएंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। पिछले 88 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। यूपी के बाद अब हरियाणा में किसानों ने अपनी खड़ी फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया है। जींद के गुलकनी गांव में 2 एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर जोत दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए ये कहा था कि किसान अपनी खड़ी फसल को जला देंगे लेकिन वापस नहीं लौटेंगे।
भिवानी में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। ये मार्च नेहरू पार्क से लेकर पुराना बस स्टैंड तक हुआ। इस दौरान पदयात्रा और बैलगाड़ी पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन को मजबूत करने का संदेश दिया। कांग्रेस के इस पैदल मार्च में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती है, तब तक किसानों के हक में वे इसी तरह आवाज बुलंद करते रहेंगे। सिरसा पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा नेता बलदेव सिंह सिरसा ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 26 जनवरी के बाद हालात बदल गए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से किसानों के संघर्ष को झटका लगा था, लेकिन दो दिन बाद हालात बदल गए और आंदोलन फिर से मजबूत हो गया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में युवाओं की अहम भूमिका है। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि तीन नए कृषि कानून पूरी तरह किसान विरोधी हैं। नौजवान फिर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने पहले दो महीने हमारा जो एजिटेशन था, जो पंजाब की रेलवे ट्रैक है वहाँ पर चलता रहा, किसी नौजवान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। तीन महीने से हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, आज तक हमारे किसी भी नौजवान ने कोई जोश में आकर किसी को कोई थप्पड़ तक नहीं, किसी ने फूल तक नहीं मारा। जो हमारा नौजवान है, जो हमारा यूथ है, उसने एक काम तो जरूर किया कि जब हम 26 नवंबर को पंजाब से चले थे, हमारा ये लक्ष्य था कि जहां भी सरकार रुकेगी हम वहां पर रुके जाएंगे, लेकिन नौजवानों ने जैसे बैरिकेड तोड़े और हमारे को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर मतलब कि वहाँ पर लेके गए, ये नौजवानों का ही काम था। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 286 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर के मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने की थी। ये पूरा मामला क्या है और किस किस की संपत्ति को अटैच किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में ईडी अब एक्शन में आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 286.9 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दूसरा आरोप पत्र दायर कर ये बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने डोव इंफ्रा की 108 करोड़, पार्शल सेरियतम लैंड एंड हाउसिंग की 78.9 करोड़, एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड की 3.39 करोड़, गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की 25.53 करोड़, फ्रंटियर होम डेवलपर की 52.2 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इस पूरे मामले को मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने उठाया था। अब भी ओम प्रकाश यादव का कहना है कि 1700 करोड़ के इस घोटाले में तमाम जांच पूरी होने के बावजूद पीड़ित किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीबीआई जांच और ईडी की जांच चल रही थी, उसी दौरान ये जो जमीन थी इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इंटरनल रोडों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया और हमारी इस जमीन पे सटे था। सटे के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से ये जितने भी बिल्डर थे वो मुआवजा उठा ले गए और अच्छे रेट का मुआवजा उठा ले गए। जिस जमीन को इन्होंने 25 लाख रुपए में खरीदा था उस जमीन का ये मानेसर का तो 5,41,00,000 के हिसाब से उठा ले गए और नौरंगपुर का 7,43,00,000 के हिसाब से उठा ले गए। जो जमीन इन्होंने सस्तों में खरीदी थी उस जमीन का ये मोटा मुआवजा उठा के चले गए। इस मामले में आरोप है कि जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से बिल्डरों ने औने पौने दामों पर जमीन खरीदी थी, लेकिन 24 अगस्त 2007 को सरकार ने जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस ले लिया था। उस वक्त जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा था जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा मसले को लेकर राजनीति भी लगातार तेज हो रही है।
और कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन सब लोगों के बारे में कहा है और आगे भी कोर्ट ही फैसला कर रही है, तो जो इसमें सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो फैसला करना है कोर्ट ने करना है। अगर कोई दोषी है तो सजा भी कोर्ट दे रही है, और किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही तो वो भी कोर्ट कर रही है, ईडी कर रहा है, और किसी को और मुआवजा भी देना है या देना नहीं देना कितना तय करना वो सब कोर्ट तय करेगी। जो लोग अब उसमें फंस चुके हैं जिनके प्लॉट फ्लैट है तो कोर्ट उनका भी संज्ञान ले रही है, सबके साथ न्याय करना है, किसान के साथ भी, जो जिन्होंने प्लॉट फ्लैट बुक कराए उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, तो सभी के साथ न्याय। अब ईडी के एक्शन के बाद बिल्डर्स पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है, लेकिन शिकायतकर्ता का मानना है कि अभी तक जमीन के मालिकों को इंसाफ नहीं मिल सका है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद अब उम्मीदें जगी हैं कि बिल्डरों की बुरी नीयत का शिकार हुए किसानों को उनका हक वापस मिल सकेगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अम्बाला में पदभार संभालने के बाद से ही मेयर शक्ति रानी शर्मा एक्शन में दिखाई दे रही हैं और लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रही हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी शहरवासियों के बीच पहुंच रहे हैं। रविवार को भी मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले मेयर शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 10 के गुरुद्वारा साहिब में पहुंची, जहां वे सुरजीत कौर, माता इंदरजीत, मेंबर ग्राम पंचायत रतनगढ़ के भोग अरदास में शामिल हुई। इसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दुर्गानगर स्थित खेड़ा में पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी जगह सुल्लर गांव में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शोभा यात्रा में पहुंचकर लोगों को बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान रिबन काट शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस दौरान मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद भी लिया। चरखी दादरी में रिश्वत कांड का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी जागे और खंड के समाज, शिक्षा और पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। दरअसल इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और उपायुक्त राजेश जोगपाल ने झोजो कला के अधिकारी सुरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। ये वीडियो शहर के लोगों के पास पहुंच गया था, जिसके चलते विभाग की किरकिरी हो रही थी। वायरल हुआ, इसकी सूचना मुझे मिली, इसमें एक एसीपी नरेंद्र मेरा उसका नाम है, वो एक पैसे की मांग कर रहा था, शराब की मांग कर रहा था, और 15-20 मिनट में उसको हमने सस्पेंड कर दी। और सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, और दादरी जिले में बस चालक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी इस तरह के मामले में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी इस पर लगा दिया गया, क्योंकि उसका अगर क्रिमिनल एक्शन लेना है एडी साहब इसमें रिपोर्ट देगी, जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी उसके साथ। सर्व कर्मचारी संघ के साथ कुछ और दूसरे कर्मचारी संगठन के नेताओं ने हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो मार्च के महीने में सभी मंत्री और विधायकों के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल वेयर हाउस में रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के साथ साथ कई दूसरी मांगों को लेकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। पत्र में वायदे बीजेपी जेजेपी ने किए थे, आज उनको लेकर के हमने तमाम विधायकों को ज्ञापन हम दे रहे हैं। उसी कड़ी में नैनपाल रावत जी जो हमारे पृथला के विधायक हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। एक तो जो वेयर हाउस में हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उस कोष में पैसा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उनको पेंशन में दिक्कत आ रही है, तो वेयर हाउस के तो चेयरमैन रावत साहब ही हैं, तो इनके सामने हमने इस बात को रखा है और उन्होंने कहा कि भाई हम इसका समाधान करेंगे। ठेका प्रथा है, भ्रष्टाचार की जननी, शोषण की पोषक, जो भ्रष्टाचार का सरकार बार बार दावा करती है ख़त्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ावे वाले नीति हैं। अगर ठेका प्रथा नहीं बंद होगी तो
तो सरकार का दावा झूठा है कि भ्रष्टाचार रोकेंगे हम, इसका मतलब ये आगे संस्थागत रूप धारण भ्रष्टाचार ने कर लिया है। कोसली में शहीद परिवार के साथ मारपीट के मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस पूरे मामले की जांच अब एसडीएम को सौंप दी गई है। वहीं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि शहीद स्मारक के सामने बन रहे बस शेल्टर का शहीद का परिवार विरोध कर रहा है, जिसके चलते शहीद का परिवार धरने पर बैठा था। इस दौरान पुलिस पर आरोप है कि उसने न सिर्फ शहीद परिवार के साथ मारपीट की बल्कि शहीद की वीरांगना के साथ बदसलूकी भी की है, जिसके बाद शहीद की पत्नी मंजू ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी ये भी दी है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो शहीदों का सम्मान लौटा देंगी। करी है उसकी इंक्वायरी आपने पता है सेटल कर दी है, जिसने भी करी है उसको सजा मिलेगी। देखिए ये तो सब इंक्वायरी का ही इशू है, अब कौन सही है कौन गलत है। एक बार एसडीएम को ये जिम्मेवारी सौंपी है, वो होके आ जाए उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। नहीं ऐसा नहीं लगा मेरे को, तो कोई मारा पीटने की बात को मेरे सामने नहीं आई। अगर आई है इस तरह की बात और पुलिस ने अगर करा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। टोहाना उपमंडल के गांव फतेहपुरी में बिजली विभाग की टीम के साथ हुई मारपीट के मामले में नया मोड़ ले लिया है। गांव फतेहपुर के ग्रामीणों और किसान नेताओं ने सदर थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पक्ष से जिलाध्यक्ष जगदीश पारता के नेतृत्व में किसानों ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दी है ताकि घर में जबरन घुसने वाले बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो किसान नेता आंदोलन में सक्रिय है उन्हें टारगेट रखकर सरकार द्वारा बिजली विभाग से छापेमारी करवाई जा रही है ताकि वे आंदोलन में भाग न ले सके। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो जिला उपायुक्त से मुलाकात कर प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। महेंद्रगढ़ के कनीना में दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पंचायत समिति की जमीन पर बनी 154 दुकानें 14वें दिन भी बंद रही। इस दौरान व्यापार मंडल बस स्टैंड के प्रधान महेश बोहरा ने कहा कि सरकार दुकानदारों की समस्या का समाधान करने की बजाय चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन सभी दुकानदार भी अपनी मांग को लेकर पीछे हटने वालों में से नहीं है। धरने पर क्रमिक अनशन भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत हर दिन 5 दुकानदार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। दुकानदारों को कहना है कि प्रशासन ने जल्द मांग को नहीं माना तो अपने परिवारों को भी धरने पर बैठ जाएंगे। पलवल में स्वास्थ्य विभाग और कैंप थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने लिंग जांच और भ्रूण हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को ग्राहक बनकर इन आरोपियों के पास पैसा देकर के भेजा था और जैसे ही ये आरोपी महिला को अबॉर्शन के लिए गाड़ी से गाजियाबाद के दादरी ले जाने लगे तो पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से इन्हें पलवल के आगरा चौक पर धर दबोचा और आरोपियों से 40,000 रुपये बरामद कर लिए। पानीपत में चोरों का आतंक ही बढ़ता जा रहा है और इस बार चोरों ने बुटीक संचालिका के घर को चुना और 35 लाख के गहने लेकर के फरार हो गए। चोर दीवार फांद करके घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और जब लॉकर वाले कमरे का ताला नहीं टूटा तो चौखट ही उखाड़ ले गए। बुटीक संचालिका पूजा ने बताया कि पारिवारिक शादी में 5 फरवरी को पूरा परिवार देहरादून गया हुआ था। उन्होंने बताया कि घर में अकेली वो थी इसलिए 15 फरवरी को बुटीक का सामान लेने दिल्ली चली गई। उन्होंने बताया कि दरवाजे का ताला नहीं टूटने पर चोरों ने चौखट उखाड़ दी और घर पहुंचने पर देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी कमरे में जाकर लॉकर को देखा, वो भी गायब था। कैथल जिले में हरियाणा कराटे चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस दौरान समाज सेवी राम प्रताप गुप्ता मुख्य रूप से
मौजूद रहे। समाज सेवी राम प्रताप गुप्ता ने कराटे चैंपियनशिप के लिए कैथल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज खेलों के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं, जिसके चलते युवाओं का रुझान शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी बढ़ रहा है। खेलों से भाईचारा बढ़ता है। राम प्रताप गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा देश को विश्व रूपी आकाश में चमकने वाले ऐसे स्टार खिलाड़ी प्रदान करेगा जो पूरी दुनिया में लोहा लेने में सक्षम होंगे। नूह जिले के पुन्हाना उपमंडल के गांव बड़ा का प्राइमरी स्कूल आकर्षण का केंद्र बन गया है। शिक्षित की मेहनत ऐसी है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल के अध्यापकों ने मेवात जिले के लोगों के लिए सालों से अपना सपना बनी रेलगाड़ी को इसी तरह से दर्शाया है जैसे मानो बच्चे ट्रेन के डिब्बों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे स्कूल में शिक्षाप्रद स्लोगन लिखे गए हैं। बच्चों की पढ़ाई से संबंधित गिनतियां, फलों के नाम, पहाड़े सब स्कूलों की दीवारों पर लिखा हुआ है। रोहतक में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कलानौर में कॉलेज मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में ट्रक ने सूमो को टक्कर मारी है, जिसके बाद ट्रेला पिकअप गाड़ी से भी जा टकराया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय निवासियों की मदद से हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। कलानौर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।